बीजेपी भी अब भाजपा की तरह हिंदुत्व की नैना पर सवार। 2007 वाली रणनीति से पूरा होगा मिशन 2022। कर्नाटक में कौन होगा बीएस येदुरप्पा का विकल्प? सीएम की रेस में नाम केंद्रीय संसदीय कार्य मंत्री प्रहलाद जोशी। पेगासस पर हंगामे के बीच राजस्थान फोन टेपिंग केस में गहलोत के ओएसडी को दिल्ली पुलिस ने किया तलब। 2024 में मोदी के खिलाफ विपक्ष का चेहरा होगी ममता। दीदी ने दिए संकेत पर क्या कांग्रेस को होगा कबूल? अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहा है चीन। भारतीय सीमा के करीब 16 नए एयरबेस बनाने में जुटा। अब बांग्लादेश जा रही ऑक्सीजन एक्सप्रेस पड़ोसी देश में 200 मीट्रिक टन सांसे लेकर पहुंचेंगी ट्रेन। पीएम मोदी ने स्पीच में कहा कि बुद्ध के मार्ग पर चलकर भारत ने कोरोना के खिलाफ लड़ाई लड़ी। यूपी और असम की तरह देश भर में लागू होंगी दो बच्चा नीति। मोदी सरकार का संसद में जवाब। मीराबाई चानू ने जीता सिल्वर मेडल। पीएम मोदी बोले टोक्यो ओलंपिक की शानदार शुरुआत। पूर्वोत्तर के सीएमएस संघ आज अमित शाह की बैठक। कोरोना समेत इन मुद्दों पर मंथन। कृषि कानूनों पर मंत्री ने मानी नाकामी। किसान संसद में कर दी इस्तीफे की पेशकश। देश में लगातार दूसरे दिन कोरोना मामले 40,000 से कम। 546 ने गवाई जान।